दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ऐसे पांच बहुत ही कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में भी हमने जितने भी फोटोग्राफी करी है, आप लोग अपने खुद के ही मोबाइल फोन से क्लिक कर सकते हो। आप लोग कोई महंगा एंड फ्लैगशिप फोन खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। एंड मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर ना यार, मैंने पिछले 1.5 साल से बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो सारी वीडियोस को जरूर से देखना। सो यार, आप लोग को ये वीडियो में बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले पोज एंड टिप से। अब सबसे पहले पोज में आप लोग को एक ग्लास की जरूरत पड़ेगी, जो कांच वाला ग्लास होता है ना। तो क्या करना है, ग्लास के अंदर पानी को भर देना है। उसके बाद आप लोग को एक नींबू की जरूरत पड़ेगी। नींबू को ग्लास के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है कोने में, जैसे हम लोग जूस वगैरह पीने जाते ना तो कोने में लगा के मिलता है हम लोग को। तो कुछ इस तरीके से नींबू को लगा देना है। अब लगाने के बाद जो मॉडल होगा वो क्या करेगा, सिंपली थोड़ा सा दूर चला जाएगा। अब दूर जाते हुए अपना दोनों पैर ऊपर की तरफ उठाना है एंड कुछ इस तरीके से पोज देना है, लाइक वो स्ट्रॉ से पानी पीने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से पोज देते हुए अब उसके बाद हम लोग को ये फोटो को लो एंगल में क्लिक करना है। लो एंगल में क्लिक करने का सबसे बेस्ट तरीका है मोबाइल को उल्टा करके क्लिक करना। उल्टा करने से मोबाइल का जो कैमरा है वो जमीन से स्टार्ट होता है एंड बहुत ही गजब की फोटो आती है। तो इस तरीके से आप लोग को अपनी फोटो को क्लिक करवा लेना है। फोटो को क्लिक करने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही ज्यादा गजब देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं गाइस दूसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब दूसरा पोज मेरा फेवरेट पोज है एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट पोज कौन सा था। तो क्या करना है, इसमें आप लोग एक बॉटल की जरूरत पड़ेगी, कांच की बॉटल। तो ये पोज करने से पहले ना आप लोग को थोड़ा सेफ्टी की जरूरत है। तो सेफ्टी के लिए हाथ में ग्लव्स को पहन लेना, जैसे हम लोग ने पहन रखा है, वरना आप लोग को इससे इंजुरी भी हो सकती है। तो मेक श्योर जब भी आप लोग ये वाला टिप्स कर रहे हो तो हाथ में ग्लव जरूर से पहनना। तो क्या करना है, जो कांच की बॉटल थी उसे सिंपली हमें बीच में कुछ इस तरीके से तोड़ देना है। अब उसके बाद हम लोग को एक धागे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना है, धागे से जो ऊपर वाला हिस्सा था ना कांच का, उसको हमें चिपका देना है फेविक्विक की मदद से या फिर कैसे भी। अब चिपकाने के बाद हमें धागे के अंदर एक पत्थर बांध देना है छोटा सा, ऐसा लगना चाहिए कि मतलब मॉडल ऐसा फेंक के बॉटल को मारा हो एंड बॉटल टूट गई हो। इस तरीके का हम लोग ये वाला फोटो लेने वाले हैं। तो आप लोग को एक पत्थर को बांध देना है धागे के अंदर। अब पत्थर को बांधने के बाद कुछ इस तरीके से बॉटल को रखना है। अब उसके बाद जो मॉडल रहेगा वो कुछ इस तरीके से पोज देगा, लाइक मतलब पत्थर वगैरह हम लोग फेंकते हैं ना हाथ को पीछे करते हुए, तो कुछ इस तरीके से मॉडल पोज देगा। एंड उसके बाद ये फोटो को भी हमें लो एंगल से क्लिक करनी है। मैं आप लोग को ना बाद में लो एंगल का बेनिफिट बताऊंगा कि लो एंगल से फोटो लेने में क्यों अच्छी फोटो आती है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार आप हमेशा मोबाइल को उल्टा करके क्यों फोटो को क्लिक करते हो, वो चीज फिर कभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये फोटो को भी हमें लो एंगल से क्लिक करनी है। तो गाइस फोटो को कर लेते हैं क्लिक। फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही ज्यादा गजब देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा जो मॉडल है वो पत्थर फेंकते हुए बॉटल को तोड़ रहा हो एंड ये पिक हम लोग ने रैंडमली क्लिक करी है, ऐसा लगेगा। एंड जो धागा वगैरह था ना उसको आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूवर एप्लीकेशन से रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड बॉटल को तोड़ने के बाद ना उसका जो टुकड़ा वगैरह रहेगा उसको एकदम अच्छे से साफ कर देना, एक भी टुकड़ा बचा नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। बढ़ते हैं गाइस तीसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब तीसरे पोज में हम लोग फोटोग्राफी नहीं, हम लोग वीडियोग्राफी करने वाले हैं। एंड गाइस ये वीडियोग्राफी मैंने आप लोग के डिमांड पर ही बनाया है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार अपने खुद के वीडियो का बैकग्राउंड हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं बिना किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के। ये ट्रिक्स में मैं आप लोग को वही बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग को वीमेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग को ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक ताजमहल का, गेट ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग ऐसे अलग अलग कंट्रीज के जो फेमस जगह है वैसे आप लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, आप लोगों का जो मनपसंद टेम्पलेट्स होगा उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अपनी वीडियो इजिली शूट कर लेनी है, कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शूट करने के बाद आप लोग की वीडियो बहुत ही गजब देखने को मिलेगी, जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा एंड कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो गाइस ये ऐप के अंदर आप लोग को अलग अलग टाइप्स के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड हर जगह पे। वो सारे स्टिकर्स को भी आप लोग यूज कर सकते हो। एंड यार जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वीमेट ऐप के अंदर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, रोशन करो इंडिया करके, जहाँ पे आप लोग को ढेर सारे अलग अलग प्राइजेस देखने को मिल जाते हैं, लाइक मोबाइल फोन, कार एंड 5 करोड़ तक इनाम। तो अगर आप लोग इसमें कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे नीचे एक वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग को अपनी वीडियो बना लेना है दिवाली के टेम्पलेट्स के साथ। अगर आप लोग विनर बनते हो तो आप लोग काफी सारे अमेजिंग प्राइजेस देखने को मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ये ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बढ़ते हैं इस चौथे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब चौथे पोज में आप लोग को दो लोग की जरूरत पड़ेगी एंड आप लोग को एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना है, सिंपली टेबल को जमीन पे कुछ इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद जो पहला बंदा था वो टेबल के ऊपर लेट जाएगा पेट के बल। लेटने के बाद हाथ में कैमरा ले लेना है एंड कुछ इस तरीके से पोज देना है, लाइक वो सामने कोई बंदा खड़ा हो उसका वो फोटो क्लिक कर रहा हो, तो कुछ इस तरीके से पोज देना है। एंड जो दूसरा बंदा था वो क्या करेगा, पहले वाले की टी शर्ट कुछ इस तरीके से खींचते हुए पोज देगा, बिल्कुल इसी तरीके से दोनों को पोज देना है। एंड उसके बाद फोटो हम लोग मिडल एंगल से लेने वाले हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो गाइस फोटो को कर लेते हैं क्लिक। फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो को भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूवर एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे की जो टेबल थी उसको सिंपली हमें कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है। पेंट करने के बाद वो चीज वहां से रिमूव हो जाएगी एंड रिमूव होने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं गाइस पांचवें पोज एंड टिप्स की तरफ। अब पांचवें पोज में भी हम लोग फोटोग्राफी नहीं, हम लोग वीडियोग्राफी करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग को ये वीडियोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि यार ये वीडियोग्राफी ना मैंने पिछली बार जैसे हम लोग ने एक फोटोग्राफी करी थी मोबाइल के अंदर मोबाइल एंड मोबाइल के अंदर मोबाइल, एंड इस बार हम लोग सेम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, बट इस बार क्या होगा कि वीडियोग्राफी होगी। गए बार फोटोग्राफी थी, इस बार वीडियोग्राफी होगी एंड बहुत ही कमाल की होगी। एकदम ध्यान से देखना कैसे करना है। आप लोग को दो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, तो पहला वाला मोबाइल हमें सिंपली ट्राइपॉड में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है, जहां से हमारा पहला वाला मोबाइल जरा सा भी ना हिले। फिक्स करने के बाद जो दूसरा मोबाइल होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद हमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद इंस्टाग्राम ओपन करना है, स्वाइप राइट करना है। राइट करने के बाद जो स्टोरी डालने का ऑप्शन आता है ना, तो रिसेंट पे जाके हमें कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर देना है जो आपका वीडियो रिसेंट में रहेगा। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें 15 सेकंड तक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद हमें कर देना स्टॉप। अब स्टॉप करने के बाद जो वीडियो अभी हम लोग ने पहले वाले मोबाइल में रिकॉर्ड करा था वो वीडियो हमें दूसरे वाले मोबाइल में शेयर कर देना है, शेयर इट या फिर सेंडर किसकी भी मदद से शेयर कर देना है। अब वीडियो को शेयर करने के बाद जैसा हम लोग ने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। इंस्टाग्राम ओपन करना है, स्वाइप राइट करना है एंड रिसेंट में जाके जो सबसे टॉप पे वीडियो रहेगा उसको प्ले करना है एंड 15 सेकंड तक हमें रुकना है। एंड फिर जो वीडियो रिकॉर्ड होगी पहले वाले मोबाइल में वो वीडियो हम लोग शेयर कर देंगे दूसरे वाले मोबाइल में शेयर इट या फिर सेंडर की मदद से। अब शेयर करने के बाद फिर वही करेंगे, ऐसे हम लोग को 3-4-5 या फिर 6 बार तक करना है, जब तक आपका लूप एकदम मतलब अंदर 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 तक ना बन जाए। तो ऐसे आप लोग को 5-6 बार ऐसे ट्राई करना है। अब करने के बाद जो फाइनल आप लोग की वीडियो बनेगी वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरीके की बनेगी। तो गाइस ये थे आज के 5 मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पांचों बहुत ज्यादा पसंद आएंगे एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर भी यार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट पोज एंड टिप्स कौन सा था। एंड यार अगर आपने अभी तक वीमेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके डाउनलोड करो एंड घर बैठे ढेर सारा पैसे कमाओ। एंड यार जब भी आप लोग फोटो को क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यार मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से टैग करा करो, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग कितनी अच्छी क्रिएटिविटी कर पा रहे हो। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आके जरूर से टैग करना। सो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला होगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।